ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज गाइज, आज मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, यानी कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ संदेश जो वो आपको देना चाहते हैं उसी पर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, आप सभी के लिए है। बस आपको देखना ये है कि जो मैं बताती हूँ सिचुएशन जो होता है ना, वो आपसे मैच होता है या नहीं। अगर सिचुएशन मैच होता है तो रीडिंग आपकी है ना गाइज। तो कलेक्टिव रीडिंग को ऐसे देखना है, ठीक है गाइज। तो आपके पर्सन जो अभी हो सकता है कि आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा वो चाहते क्या है ना। तो मैं उनकी तरफ से आपको मैसेजेस दे रही हूँ, देना चाहती हूँ। तो देखिए ध्यान से क्या निकल कर आता है। गाइस, पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हर्मिट। ओ माय गॉड, हर्मिट, हर्मिट के मोड में है आपके पर्सन। देख लीजिए, टेन ऑफ कप्स, खूबसूरत, सेवन ऑफ कप्स, वाव, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। देखिए हर्मिट और स्टार, आपकी एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाव। सन, वाव, कितनी बार वाव कहूं मैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वैंस, ओके गाइस, साथ ही मैं कुछ मैसेज भी निकालूंगी, ठीक है, इनकी तरफ से, क्योंकि मैसेज, हैंड रिटन मैसेज के बिना मैसेज वाली रीडिंग अधूरी है ना गाइस। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए, बॉटम में है मेरा चुनु मुनु कार्ड, जलपुकड़े वाला कार्ड आया है गाइस, जल बुनकर कोयला बनने वाला कार्ड आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो चलिए, साइन और एलिमेंट आपको बता दूं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर नज़र जो आ रही है वो तो पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आई है गाइस। और पेंटिकल्स होती है अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। उसके बाद वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक और मीन राशि। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है फायर साइन, लियो सैजिटेरियस या धनु और मेष राशि। इस रीडिंग में मुझे ऐसा नज़र नहीं आई है गाइस। और सबसे स्ट्रांग यहाँ पर वर्गो की एनर्जी नज़र आई है और एक्यूरेस भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये रहे आपके साइन और एलिमेंट, या आपके पर्सन की भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस रीडिंग के जरिए, क्योंकि वो आपको नहीं दे पा रहे, वो आपको बता नहीं पा रहे, तभी तो आप रीडिंग देखकर पता करते हो ना गाइस। तो सुनिए, ये इनका जो संदेश है ना गाइस, मैं इसे क्या कहूँ, आप देखिए टोटली बिल्कुल हर्मिट का जो यहाँ पर कार्ड आया है, आप जानते हो वो कैसा कार्ड होता है, एक ऐसा उदास इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी से सब उम्मीदें खो दी हैं, है ना। इसको कहते हैं हर्मिट का कार्ड, है ना, कि अब निराशा ही है ज़िंदगी में, बस ज़िंदगी को जीना है कि किसी भी तरीके से जीना है ना। पर फिर भी कहीं ना कहीं छोटी सी उम्मीद तो है, क्योंकि यहाँ पर लाइट आपको नज़र आता है। लाइट हमेशा रोशनी को दिखाता है, उम्मीद को दिखाता है, उम्मीद की किरण, हम ऐसा कहते हैं ना, उम्मीद की किरण। तो ये इंसान हाथ में छोटे सा लालटेन लेकर चल रहा है, यानी कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी में उदासी है, दर्द है, तकलीफ़ है। अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रही, इसका मतलब होता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ गलती आपके साथ की है, जिसका पछतावा इस इंसान को है। ये इंसान सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़िंदगी में कोई भी इन्जॉयमेंट नहीं है, जो खुशियाँ कहते हैं ना गाइस, वो खुशियों की कमी है, ठीक है। बाहरी दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं करना है, ज़्यादा जो पहले जो जैसा ये इंसान हुआ करते थे उसमें कमी आ गई है ना।
खुश रहना, हंसी मजाक करना, पार्टीज करना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम ये इंसान हो गए हैं। इनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, बस इनका मन जो है ऊपर वाले से ये कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे गलतियाँ कुछ हुई है जिसे ये सुधारना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड होता है, पर स्लो होता है, थोड़ा जो इनका कदम होता है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलता है, यानी कि कोई भी एक्शन फटाक से नहीं ले लेंगे, समझ गए। तो इस उदासी के पीछे, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है, ये भी मैं आपको बता दूँ। पहले जब ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तब इन्होंने क्या किया ना गाइस, आपको ऑप्शंस की तरह रखा है। देखिए सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, जो दिखाता है कि इनके पास चुनाव करने के लिए बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, आपके अलावा परिवार हो गया, दोस्त हो गए, इनका कैरियर हो गया, इनका हेल्थ इश्यूज हो गया, यानी कि आपको कभी वो स्थान नहीं मिला, वो प्लेस, आपको वो जगह ये इंसान नहीं दे पाए। हमेशा आपको शायद ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, मैं तुम्हें नहीं चुन सकता, मेरे पास और भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके का हमेशा ऑप्शन की तरह आपको दिखा कर आपको हर्ट किया गया है, दर्द दिया गया है, दर्द पहुँचाया गया है, और ये एक वजह रही है ऑप्शन की तरह देखना। और दूसरी वजह यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स नजर आया है, जो ये बता रहा है, साफ साफ इशारा कर रहा है कि आपके पोर्शन ना किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अटक गए, फंस गए है ना, और ये कन्फ्यूज हो गए कि अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, किसे चुने, किसके साथ ज़िंदगी बितानी है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए नहीं है, है ना। तो ये चीज़ एक कन्फ्यूजन वाला जो एक इंसान का दिमाग होता है ना, वैसा ही कन्फ्यूजन इस इंसान की ज़िंदगी में हो गया जब आप इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुए, है ना। तो कोई एक और चीज़ है इनकी ज़िंदगी में जिसे वो नहीं छोड़ना चाहते थे, और जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपको ही अपनी ज़िंदगी से दूर किया है। तो वजह जो भी हो, पर आप पछतावा मुझे नज़र आ रहा है, बदलाव मुझे इस इंसान की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। इनका आप मैसेज जानना चाहते हो ना कि ये मैसेज क्या देना चाहते, तो ये आपको यही कहना चाहते कि ये आपको अभी भी नहीं भूले हैं। जी हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, इस कार्ड के यहाँ पर आने का मतलब क्या है, क्या है कि ये आपको आज भी याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपका दिल इन्हें बहुत पसंद है, आप जो इन्हें केयर किया करते थे वो उस केयर की इस इंसान को आदत थी, और जब ये सब चीज़ें आज इस इंसान को नहीं मिल रही तो इंसान हर्मिट के मोड में नहीं जाएगा, तो क्या करेगा गाइस। तो वही कुछ हाल यहाँ पर है, ये आपसे यही मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ, तुम्हें नहीं भूल सकता मैं, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी आज अधूरी है, अकेला हूँ मैं, अकेली हूँ मैं, कुछ खुशियां नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही है, ठीक है गाइस। मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं आपके पोर्शन, ये जो भी बंदा है या जो भी बंदी है ना, इन्हें दुआ करना आता है, इन्हें प्रेयर्स करना आता है, इन्हें ऊपर वाले से कनेक्ट होना आता है। मैनिफेस्टेशन का दो दो कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, यानी कि ये आपको पाने के लिए, देखिए कैसे घिरे हुए हो आप, देख लीजिए बिल्कुल बीच में आपका कार्ड आया है, एनर्जी आई है, ऊपर हर्मिट है, बगल में स्टार है, और साइड में सन का कार्ड आया है, देख लीजिए। आपको पाने के लिए ना ये इंसान बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं ऊपर वाले से, दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि ये फंसे हुए हैं ना, शायद निकल नहीं पाए इन कंडीशन से, इन सिचुएशन से, इसी वजह से ईश्वर का, ऊपर वाले का सहारा इन्हें जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इन्हें लगता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता या खुद नहीं कर कुछ कर सकती इस इंसान को पाने के लिए, तो कहाँ पर सहारा लिया गया है, ऊपर वाले को ही अपना सहारा बनाया गया है, और दुआएं बहुत कर रहे हैं आपको पाने के लिए, बिल्कुल भी आपको नहीं भूले हैं। आपको ये जब रिलेशनशिप में थे ना, तो हो सकता है कि ये आपको नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए, इक्वल बराबरी का कुछ नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। जी हाँ, देना देने का जो काम था वो सिर्फ आपका था कि आप ही दो, आपसे ही लेंगे, आपसे ही लेंगे, प्यार भी आपसे लेंगे, है ना, आपको ही हर चीज़ कहेंगे, आपको ही हर चीज़ सुनाएंगे, आपको ही गाली करेंगे, जो भी हो आपको सब कुछ बर्दाश्त करना है, और बस इन्हें प्यार लुटाते जाना है आपने, है ना। तो लेते गए, देने की बारी आई तो भाग गए, पीछा छुड़ा लिया, ऐसा ही कुछ हुआ है ना गाइस, है ना। तो बहरहाल जो भी है, पिछली बातों को भूलो, पिछली बातों पर मिट्टी डालो, अब यहाँ पर क्या चल रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये इंसान अब बराबरी का हर चीज़ करना चाहते हैं, बराबरी का इक्वल गिव एंड टेक वाला कार्ड हमें मिला है, जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हो, यानी कि अब देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, किसके लिए, आपके लिए, तो देना चाहते हैं गाइस, बराबरी का कुछ तो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी भावनाएं छुपा रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल हर्मिट के कार्ड के साथ आया है, जो दिखाता है कि बहुत दिल में दर्द है, पेन है ना, गुस्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ नहीं बता रहे आपको, छुपा रहे हैं, सब कुछ छुपा रहे हैं। ये जो मैसेजेस है ना गाइस, ये भी आपको नहीं बता रहे कि ये क्या महसूस कर रहे, बस रीडिंग के जरिए आपको पता चल रही है, सच्चाई तो ये है कि ये छुपा रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, है ना। बहरहाल गाइस,
ये और भी कुछ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि ये आपके साथ घर परिवार बाल बच्चे खुशहाल जिंदगी, इनका सपना ये है आपके साथ, इनका सपना है ये आपके साथ कि इन्हें जो है ऐसी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है आपके साथ जहाँ पर आप हो, ये हो और बहुत सारी खुशियाँ हो, है ना। कप्स का कार्ड हमेशा प्यार का कार्ड होता है, और प्यार इन्होंने किससे किया था, प्यार इन्होंने किया है आपसे, आपने इनसे किया है। तो यहाँ पर कप्स का कार्ड यानी कि 10 हमारी उंगलियों में जितना हम प्यार बटोर सकते हैं, जितनी खुशियाँ बटोर सकते हैं, वो सब खुशियाँ जो है इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है, और आप आज नहीं हो तो ये हर्मिट में है ना। तो मैसेजेस बहुत सारे हैं इनकी तरफ से। देखिए गाइज, अब अगर हम बात करें बॉटम के कार्ड की, जो है हमारा फोर ऑफ पैंटिकल्स, है ना। फोर ऑफ पैंटिकल्स क्या बताता है, ये इंसान जब आपके साथ रिश्ते में रहे होंगे ना, तब ये इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, डांटते होंगे, है ना, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, आपके बॉडीगार्ड जैसे। अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो आपके बॉडीगार्ड थे आपके पर्सन। जी हाँ, जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे बॉडीगार्ड वाली फीलिंग आती है कि कोई इंसान किसी के लिए इतना ज़्यादा जेलस कैसे हो सकता है कि इससे बात मत करो, ये मत पहनो, ये मत खाओ, क्यों घंटों फ़ोन पर लगे रहते हो, ऐसी चीज़ें, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा घुमाने का एक जो डर है इस इंसान के जहन में अभी भी है। देख लीजिए, बॉटम में निकल कर आया है, ठीक है। हालांकि गलतियाँ हो सकता है कि इनकी तरफ से ही हुई है, पर यहाँ पर आपकी एनर्जी का आना और बॉटम में आपके लिए ऐसा भावना, ऐसी फीलिंग्स कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, तुम्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता या देख सकती, तो इस तरीके की भावना आज भी इस इंसान के मन में आपको लेकर है कि आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, समझ रहे हो ना। तो यही सब वजह है गाइस, ये सब चीज़ें हैं जो कभी कभी इंसान ना बताना चाहते हैं कि कैसा फील कर रहे, पर बताते नहीं हैं, छुपा जाते हैं, है ना। पर हमें पता चल गया कि ये क्या मैसेज आपको दे रहे। अब मैं फ्यूचर के बारे में कुछ आपको बता दी हूँ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, है ना। तो ये इंसान आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ फिर से नया स्टार्ट करेंगे, या नई शुरुआत करेंगे, जो है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स हमेशा नई नई बिगनिंग को दिखाता है कि पिछली बातों को भूलो, पिछली बातों में मत पड़ो, है ना। अब जो है हमें नए तरीके से ज़िंदगी चलानी है, नए तरीके से रिश्ता निभाना है, तो नए तरीके से, नए ढंग से जो है ये इंसान अपने आप को बदल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं। और नई शुरुआत करके क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, नई शुरुआत करके वो तमाम ये चीज़ें जो ये आपको नहीं दे पाए थे ना, वो सब चीज़ें आपको देना चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ। सन का कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड, बहुत बेहतरीन कार्ड, उजाले का कार्ड होता है जो हर खुशी को दिखाता है। इसमें दर्द का कहीं नामो निशान नहीं होता, दर्द तो आप भुगत रहे हो अभी, ये भी भुगत रहे हैं, है ना। पर अब जो आने वाला फ्यूचर होता है उसमें दर्द नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ होगी खुशियाँ, परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, ट्रैवलिंग होगी, आप लोग घूमोगे फिरोगे, मस्ती करोगे, अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से बिताओगे। तो ये संदेश आपको ये देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना चाहता हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड होता है सन का कार्ड, कि एक बहुत खूबसूरत जो है मैरिड लाइफ, है ना, और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, जॉयफुल रिलेशनशिप, जहाँ पर कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखा नहीं, है ना, बस खुशियाँ हैं, एक लॉयल रिलेशनशिप, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है सन का कार्ड, बाल बच्चे जहाँ पर होते हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार होता है, तो सन यानी कि खुशियाँ लेकर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, और यही है इनका संदेश आपको देना है, जो देना है आपको देना है, खुशियाँ देनी है आपको देना है, आपको ही ऊपर वाले से मांगना है, आपके लिए ही सुधरना है ना, आपके साथ घर परिवार बसाना है, शुरुआत करनी है, पास्ट में जो हुई मिट्टी डालो, आपके लिए आज भी पॉजिटिव फील करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है जब आपको किसी और के साथ ही देख लेते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है गाइस, समझ गए। तो इनके भावनाओं को हमें समझने की ज़रूरत होती है, कल क्या हुआ इसे मत समझो, इसे याद मत करो, आज क्या हो रहा है इसे भी ज़्यादा आप ध्यान मत दो, आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है ना, उसके लिए जो है थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करो, खुश रहने की कोशिश करो, ओके। तो हर्मिट का कार्ड आया है, आप जानते हो जब जब हर्मिट का कार्ड आता है, मैं कभी नहीं कहती कि अब भी आएगा आपको मैसेज, अभी आएगा कॉल, और आपको कहीं यहाँ पर दिख रहा है क्या, कोई एक्शन का कार्ड नजर आया है कि नहीं। हर्मिट के कार्ड में ज़्यादातर एक्शन बहुत कम निकलता है, बहुत कम निकलता है, समझ गए, क्योंकि कछुए की चाल है, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, फटाक से रीडिंग देखी, रीडिंग बंद किया और मैसेज आ गया, ये मैं नहीं कह सकती। हर्मिट का कार्ड जब आता है समय लगेगा, क्योंकि इंसान को बदलने में टाइम लगता है गाइस, फटाक से कुछ नहीं होता, पर जब होता है बहुत डेंजरस होता है, समझ रहे हो ना। चलिए मैसेज भी देख लेते हैं इनकी तरफ से। हेलो
चलिए मैंने यहाँ से 5-6 कार्ड्स निकाले हैं गाइस, अब देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, यहाँ पर मैसेज क्या देते हैं। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, तो ये आपसे कह रहे हैं कि हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपको दर्द दिया है तो आप रोते रहते होंगे, है ना। तो ये कहते, ये नहीं चाहते कि आप दर्द में रहो, आप रोना धोना करो, आप मुस्कुराते रहो। तो ये इनका पहला मैसेज है आपके लिए, समझिए इस बात को। वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि इनको, इनका इंतज़ार आपको करना है। ओके, हर्मिट का मोड चल रहा है ना गाइज, मैंने बताया है ना कि हर्मिट का मोड चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ, है ना। तो आपको करना तो इंतज़ार है, मैं तो कुछ पल पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ पर फटाक से कुछ नहीं होने वाला, कहा था ना मैंने। और इन्होंने भी यही कह दिया कि वेट फॉर, मेरे लिए रुको, कहीं नहीं जाना है, नज़रें कहीं इधर उधर नहीं घुमानी है, समझ रहे हो, इंस्ट्रक्शन है। हंसते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो क्या कभी ये आपसे कहा करते थे जब आप लोग रिश्ते में थे कि आपका मुस्कुराना इन्हें बहुत पसंद है, आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद है। तो हंसने का 2 कार्ड आया है, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, हमेशा हंसते रहो, हंसते हुए ज़्यादा अच्छी लगते हो, है ना। तो इनको आपका मुस्कुराना बहुत पसंद है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्हें आपके पार्टनर ने कभी ये कहा होगा जब आप लोग संबंध में थे, रिलेशनशिप में थे, है ना। लव यू फॉर एवर, ये कह रहे कि ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे, फॉर एवर, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसे कहते हैं फॉर एवर, है ना। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, यही इनका संदेश है आपके लिए। नफरत मत करना प्लीज, तो ये एक रिग्रेट है, गिल्ट है आपके पर्सन की तरफ से, है ना, कि इन्हें बहुत पछतावा है कहीं ना कहीं। और ये कहते हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया, जो भी तकलीफें आपको दी, जो भी दर्द आपको इनके वजह से पहुंचा है, उसके वजह से आपको इन्हें नफरत नहीं करना है। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज़ नफरत मत करना। तो बहुत बहुत दर्द वाला ये एक मैसेज है, हालांकि दर्द इन्होंने आपको पहुँचाया है ना, पर अब एहसास है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर है ना गाइस, हर्मिट का कार्ड ही एहसास दिलाने का कार्ड होता है। तो नफरत मत कीजिए इनके साथ, ठीक है। क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, मेरा छुन्नू मुन्नू वाला कार्ड। ये इंसान ना बहुत जल पुकड़े हैं, बहुत जल पुकड़े हैं गाइस, जो भी है ना बहुत जलते हैं, आपको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे किसी और के साथ। देखिए, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, ओवरऑल एनर्जी में ही इनका जलना निकला है आपके लिए, आपकी वजह से, है ना। तो कोई और पसंद आ गया है क्या आपको, अभी भी यहाँ पर भी यही सवाल है इनका जो कार्ड में निकला है वही वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल। तो इसका जवाब ये जब मिलेंगे तब आप इनको बता देना, है ना। पर थोड़ा सा वक्त लगेगा गाइस, हर्मिट का कार्ड आया है। तो बहरहाल यही थे मैसेजेस कुछ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से गाइस। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करना, बताना मुझे कि कितनी रेजोनेट हुई है, ओके। और अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है आपको, ठीक है गाइस। मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज, आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।